सलाम वालेकुम भाई लोग, आज मैं आपको एक अच्छा वीडियो बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी कार कैसा चलाना, क्या सिस्टम रहता, क्या रहता बोल के आप सब देखने को जा रहा हूँ। आज देखेंगे कैसा रहता। देखो मेरे पास चाबी है, ये टोयोटा कैमरी है ये गाड़ी, ये क्या सिस्टम है, कैसा चलाना ऑटोमेटिक गाड़ी में, मैनुअल को ऑटोमेटिक को क्या फ़र्क रहता, क्या रहा था अंदर सिस्टम क्या है देखेंगे आज, ठीक है ना भाई। चलो देख सकते हैं, ये गाड़ी का चाबी है, क्या टोयोटा कैमरी का चाबी है, ऐसा बटन दबाया तो लॉक खुला था। देखेंगे ये गाड़ी है, अपना गाड़ी यही है, ये इसको ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम खोल के ये बटन दबाया तो खोलता। अभी जाएंगे कैसा है, कैसा गाड़ी अंदर कैसा है देखेंगे। चाबी लगाना है, चाबी लगा के पहले टर्न करना है, पहले राइट टर्न करना है एक बार और दो बार, और टर्न करें तो अभी बैटरी पूरा सिस्टम शुरू हो गया, देख सकते आप लोग पूरा बैटरी शुरू हो गया। अभी एक बार बता रहा हूँ, देख सकते अभी बंद हो गया, अभी शुरू हो गया, देख सकते अभी पूरा लाइट ऑन चला रहा है। अभी देखो अभी 2-3 सेकंड के बाद बंद हो गया, और एक बार बताता हूँ आपको, अभी पूरा चला शुरू हो गया, अभी जाते थोड़ा, हाँ अभी चला गया, और ये भी जाता देखो, हाँ जाके अभी शुरू करना गाड़ी, अभी चालू करना गाड़ी, अभी चाबी से अभी शुरू चालू करना गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया गाड़ी, अभी देख सकते हैं भाई लोग, ऑटोमेटिक गाड़ी में पहले सिस्टम क्या रहा था बोल के देखेंगे। पहले ये गाड़ी चलाना है तो ये मालूम करना, पहले ये क्या मालूम करना, ये राइट साइड में छोटा वाले ये पेडल है, ये पेडल को एक्सलेटर बोलता है, ये एक्सलेटर है आप सबको मालूम है, ये सब सोचता है खाली ब्रेक बोल के सोचता है ये, लेकिन ये दोनों मिलके रहता है इसमें, मैं कैसा रहता वो इसमें बताता हूँ मैं बाद में। देख सकते हैंड ब्रेक, खाली पे ये मैनुअल गाड़ी में आए तो हैंड ब्रेक रहता, हैंड ब्रेक कराना था अपना हैंड रेस्ट में के पास, गियर राइड के पास रहता, लेकिन इधर देख सकते हैं अपना ये स्टीयरिंग का नीचे, ये देख सकते हैं ये स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग से ऐसा नीचे जाए तो खाली ये ब्रेक पेडल का बाजू रहता ये भी। अभी लॉक है, अभी हैंड ब्रेक लॉक है, अभी पुश हो गए तो अभी पुश करे तो खोलता, फिर लॉक डालना भी पुश करना, दोनों एक ही चीज है, प्रेस करना लॉक होता और प्रेस करे तो खोलता, अनलॉक होता, लॉक होता और अनलॉक होता है, खाली प्रेस के लिए, दबाए तो लॉक होता और दबाए तो अनलॉक होता, मैं आपके बता रहा हूं अभी देख सकते हैं, अभी अनलॉक हो गया, फिर लॉक करना है तो देख सकते लॉक हो गया, ये हैंड ब्रेक का सिस्टम है। ये देखना दोस्तों, ये बटन कंपलसरी याद रखना है, आपके दिमाग में रखना, ये बटन कभी भी अपना गाड़ी रोकना चाहे ये तो, कभी भी गाड़ी रोकना है तो ये इंडिकेटर 5-10 सेकंड पहले से शुरू करना, पीछे कुछ आदमी आए तो उनको मालूम होता गाड़ी रोक रहा बोल के, ये कंपलसरी है। सऊदी में कभी भी गल्फ में फॉरेन कंट्रीज में ये देखता, अपना जगह में सही नहीं देखता, छोड़ता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में गल्फ कंट्रीज में ये जरूरी देखना, ये बटन अच्छा काम करना, नहीं ये तो मुकालफ आता, फाइन आ सकते, कभी भी मुश्किल हो सकते, मुरूर पकड़ता, पीछे से गाड़ी आके मार सकते, एक्सीडेंट हो सकते, याद रखना भाई लोग, ठीक है। ये इसको बोलता 4-पॉइंट इंडिकेटर, 4-पॉइंट इंडिकेटर बोलता, ये बटन दबाना जरूरी है गाड़ी रोकना है तो, याद रखना भाई लोग। और एक बात देखना, ये मैनुअल गाड़ी में दो पैर यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक गाड़ी के में ये चीज अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये खाली लेफ्ट लेग आराम से रख सकते, फ्री है, रेस्ट में रहता, ये खाली ये राइट पैर से काम करना पड़ेगा, ब्रेक और एक्सलेटर, ये यू देखो वी शेप में ऐसा ऐसा लेफ्ट एंड राइट टर्न करना पड़ेगा बस, ये लेफ्ट लेग काली पीली रेस्ट में रहता, ओनली ये लेफ्ट लेग खाली फ्रंट ब्रेक डालने का यूज होता, लेफ्ट लेग बाद में रेस्ट में रहता। और एक बात, ये ऑटोमेटिक में और अच्छा एडवांस्ड सहूलत क्या है मालूम, ये क्या है,
अपना गांव में देख सकते हैं, अपना देश में देख सकते हैं, बहुत ट्रैफिक ज्यादा रहा था, सड़क रहा था, स्लोप रहा था, उसी टाइम पे गाड़ी चलाने के बहुत मुश्किल रहा था। क्यों? क्लच रहा था, क्लच में गाड़ी चलाना है तो दो पैर बहुत ज्यादा रहा था। लेकिन ये ऑटो गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लच नहीं रहता, ये बहुत अच्छा सहूलत है। पैर में दर्द आता, ये सड़क में गाड़ी रोकना, कभी कभी ट्रैफिक में रोकता मुश्किल होता, ये मसला ऑटोमेटिक गाड़ी में नहीं है, ये चीज़ अच्छा है। दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑटोमेटिक गाड़ी में इम्पॉर्टेंट चीज़। सब लोग को मालूम नहीं होता, कभी भी मालूम हो सकते, नहीं हो सकते, फिर भी मालूम होने का होना चाहिए। अभी मैं भी बता रहा हूँ ऑटोमेटिक गाड़ी में, ये गाड़ी में ऐसा है, हर गाड़ी में ऐसी चलाता, पी पार्किंग, आर रिवर्स, एन न्यूट्रल, डी ड्राइविंग मोड। ड्राइविंग मोड, न्यूट्रल मोड, रिवर्स मोड, पार्किंग मोड, हर गाड़ी में ऐसी चलाता ये बटन तो। लेकिन ये पैटर्न थोड़ा अलग रह सकते, पैटर्न थोड़ा अलग रख सकते, लेकिन ये चीज तो ऐसी चला था। अभी पार्किंग, अभी गाड़ी पार्किंग में है, ये देख सकते हैं, ये आकर में है, पी बोले तो पार्किंग में। कभी भी गाड़ी शुरू करना है तो मैं बोला पहले गाड़ी वीडियो में, पहले एक मिनट दो मिनट में बोला कुछ, क्या बोला, ये ब्रेक लेवर है, देख सकते है ये ब्रेक लेवर। ब्रेक लेवर को समझना आप लोग, क्लच बोल के समझना लोग, याद रखना ऑटोमेटिक गाड़ी बोले तो बहुत कॉस्टली है, अभी बहुत वैल्यूबल है। अभी एक गाड़ी कुछ रिपेयर आ गए तो बहुत पैसा खर्चा होता, याद रखना। अपने जैसा दिल में कैसा आया ऐसा चला है तो गाड़ी खराब होता। ये क्लच नहीं है बोल के सोचता, लेकिन ये ब्रेक में क्लच है, ये ब्रेक बटन दबाना, ब्रेक लिवर। सो फ्रेंड्स याद रखना, अभी गाड़ी कभी भी शुरू करना है तो ये ब्रेक बटन ऐसा नीचे पूरे दबा के देखेंगे भाई। अभी मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ब्रेक पेडल पूरे नीचे दबा के अभी गियर चेंज कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अभी पहले रिवर्स का आ गया, पहले मोड रिवर्स का आ गया, अपनों न्यूट्रल को आना। अभी न्यूट्रल में है गाड़ी, एन में है, देख सकते हैं भाई लोग, एन में है, एन में बोलते न्यूट्रल में है। अभी गाड़ी जाना है तो डी को लेके आना है, ड्राइविंग मोड को लेके आना है। ये गल्फ कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में सीट बेल्ट जरूरी रखना गाड़ी में, बैठे तो फर्स्ट सीट बेल्ट रखना है। सीट बेल्ट रखा है तो अपना की मुश्किल नहीं रहता। ड्राइविंग मोड में होने के बाद अभी फ्रंट ब्रेक खोलना है, ब्रेक लेवर अभी छोड़ना है, अभी छोड़ के नेक्स्ट, अभी मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखते अभी ऑटोमेटिक गाड़ी जा रही। अभी और थोड़ा जल्दी जाना है तो, और थोड़ा फास्ट जाना है तो अभी एक्सेलेटर में दबाना है, एक्सेलेटर दबाए तो और गाड़ी चलते रहता। इजी मेथड, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देख सकते अच्छी जा रही गाड़ी, ये सिस्टम है ये ऑटोमेटिक का। और गियर कभी भी चेंज करने जरूरत ही नहीं है, आप गाड़ी रोके तो कब न्यूट्रल में रोकना, नहीं तो का जब पार्किंग में रखना। मैं अभी यू टर्न ले रहा हूँ, देख सकते हैं भाई, मैं गियर कुछ भी नहीं चेंज नहीं कर रहा, स्लो करा मैं, बिल्कुल ब्रेक रखा, फिर भी मैं गाड़ी नहीं गियर नहीं चेंज कर दबाना है। मैं अभी जा रहा हूँ, देखो आराम से जा रहा है गाड़ी, अभी राइट सिग्नल ही लेगा, देख सकते हैं भाई लोग, अभी कुछ भी नहीं, गियर नहीं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी स्पीड जा रहा, गाड़ी कुछ स्लो करे तो भी मैं देखो, अभी मैं राइट टर्न कर रहा हूँ, राइट टर्न करने को इंडिकेटर शुरू करना है, इंडिकेटर डाला मैं, राइट टर्न कर रहा हूँ, राइट टर्न करा, अभी स्पीड जा रहा हूँ, स्पीड जा रहे तो भी कभी भी गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। देखना भाई लोग, सऊदी में गल्फ कंट्रीज में ड्राइविंग बहुत फास्ट रहता, रैश ड्राइविंग रहता, अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, जरूरी है। कैसा ड्राइविंग करना मालूम, ये एवरी सेकंड इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूरी याद रखना है, नेग्लेक्ट नहीं करना कभी भी। देखना मैं ग्रेयर नहीं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन एक्सलेटर दबाए तो इतना स्पीड जाना है तो उतना स्पीड जा रहा है, देख सकते जा रहा हूँ मैं, स्पीड जा रहा, देख सकते भाई, मैं अभी स्लो कर रहा हूँ, यू टर्न ले रहा हूँ, इंडिकेटर डाला लेफ्ट साइड को, इंडिकेटर डाल के फिर यू टर्न कर रहा हूँ, देख सकते भाई लोग, ऐसा ड्राइविंग ऑटोमेटिक गाड़ी
सिंपल, वेरी सिंपल, मैनुअल गाड़ी से वेरी सिंपल से चला सकते, हल्का से चला सकते गाड़ी, कोई मसला नहीं। अभी स्पीड पे ड्रा गया मैं, गियर कुछ भी नहीं चेंज किया, देख सकते ड्राइविंग मोड में है, मैं कुछ भी नहीं चेंज किया, अभी जा रहा मैं। अभी मैनुअल गाड़ी है तो फर्स्ट गियर को आके फिर ड्राइविंग चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं स्पीड ब्रेकर आया, स्लो हो गया गाड़ी, फिर भी चेंज नहीं हुआ, देख सकते बल्कि। फिर अभी मैं राइट टर्न ले रहा हूँ, देखो इंडिकेटर डालना, फिर राइट टर्न करना, ऐसा। ऑटोमेटिक गाड़ी में ड्राइविंग वेरी सिंपल, मैनुअल गाड़ी चला आए तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने को इतना मुश्किल नहीं रहता, आराम से चला सकते गाड़ी, ठीक है ना भाई लोग। और एक चीज बता रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी फिर पार्क कर रहा हूँ साइड रोड के बाजू में, साइड पार्किंग कर रहा हूँ। अभी डबल इंडिकेटर शुरू करना, डबल इंडिकेटर शुरू करना, शुरू हो गया। अभी ब्रेक डाल के गाड़ी रोकना है, अभी रोक दिया गाड़ी, देख सकते हैं। डबल इंडिकेटर डालना, कभी भी ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी चलाने का, ये इंपॉर्टेंट चलाने। अभी गाड़ी रोकने के बाद पहले न्यूट्रल करना, गाड़ी न्यूट्रल हो गया। अभी न्यूट्रल होने के बाद ब्रेक पेडल में आईसिच पाम रख के दबा के फ्रंट ब्रेक, देख सकते भाई लोग ये फ्रंट ब्रेक का लेवर है, ये आकर तक दबा के छोड़ना। अभी ब्रेक पेडल से पाम निकालना, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। आप कंप्लीटली टोटली गाड़ी बंद करके जाना है तो पार्किंग में रखना, कभी भी याद रखना भाई लोग, इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑटोमेटिक गाड़ी में। क्या है मालूम, चाबी निकलना है तो पार्किंग में जरूरी है, गियर रॉड कंपलसरी पार्किंग मोड में रखना, नहीं है तो चाबी नहीं आता। पार्किंग मोड में रखे तो चाबी आता। मैं अभी पार्किंग मोड में कैसा रखना देखो, फिर और एक बार ब्रेक पेडल में आकर तक दबा के अभी पार्किंग मोड में रखा, अभी छोड़ दिया। भाई लोग आपको अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, याद रखना। मैं पहले क्या करा, हैंड ब्रेक पहले डाल के गियर पार्किंग में रखा गाड़ी में, जब क्या हो गया, पहले गाड़ी ब्रेक में रुक गया है गाड़ी, बाद में मैं पार्किंग करा। अभी ये टाइम पे मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी देख सकते हैं, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, खोल दिया, अभी ऐसा है गाड़ी। अभी गाड़ी गियर पहले पहले ये हैंड ब्रेक नहीं डाला, अभी ये टाइम पे अभी पार्किंग में रखे तो गाड़ी क्या होता मालूम, गियर बॉक्स में रुकता गाड़ी, गाड़ी का लोड पूरा गियर बॉक्स में होता। अब थोड़ा चड़क में ऐसा रखना, थोड़ा स्लोप में ऐसा रखते, कभी भी गियर बॉक्स बहुत मुश्किल होता, गियर बॉक्स चलाने को भी, खराब होने के भी बहुत चांसेस आए। स्लोप में रोकता कभी भी चड़क में रोकता, उसी टाइम पे गियर बॉक्स में वेट बढ़ता। उसके लिए क्या करना, पहले हैंड ब्रेक पूरा दबा के अभी पार्किंग मोड में रखना गाड़ी, रखे तो गाड़ी का पूरा वेट हैंड ब्रेक में रहता। ये इम्पॉर्टेंट चीज है भाई लोग, ये सबको मालूम है, थोड़ा याद रखना, कभी भी याद रखना भाई लोग। ये हैंड ब्रेक का सिंबल है, ये हैंड ब्रेक का सिंबल है। कभी अभी गाड़ी फिर शुरू करना है तो हैंड ब्रेक छोड़ना, देखो मैं ब्रेक दबा के हैंड ब्रेक छोड़ रहा, छोड़े तो ये सिंबल नहीं दिख रहा, फिर हैंड ब्रेक दबा रहा। कभी भी गाड़ी शुरू करना है तो ये सिंबल देखना, याद रखे तो आपको समझ होता, ठीक है भाई लोग। मैं अभी गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ये भी अभी एसी चला रहे, अभी मैं अभी एसी बंद किया, डबल इंडिकेटर बंद किया, अभी चाबी बंद कर रहा हूँ, ठीक है भाई लोग। ये तरीका में ये ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकते, अच्छा चला सकते, कुछ भी मसला नहीं है इसमें, ठीक है भाई लोग। भाई लोग ये चीज़ है, ये गाड़ी में ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा तरीके में ये मैं बताया पहले। ये पांच आयना का अच्छा देखना है, गियर रॉड कैसा है, ये ब्रेक कैसा चालू करना है, एक्सलेटर कैसा, ये पूरा मैं बताया। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।